करते हैं एक और बड़ी खबर का। सीकर के अजितगढ़ थाना इलाके में शिक्षक की हत्या। कुंडा पीथलपुर मार्ग पर मिला शिक्षक का शव। देर रात शिक्षक की गला रेत कर हत्या। बड़ी संख्या में ग्रामीण हुए मौके पर जमा। बहन को छोड़कर घर लौट रहा था शिक्षक। ग्रामीण कर रहे हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। मौके पर पुलिस का जाब्ता तैनात। रायपुर जागीर गांव की घटना। तो बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हम, ये सीकर के अजितगढ़ थाना इलाके से शिक्षक की हत्या। कुंडा पीथलपुर मार्ग पर मिला शिक्षक का शव। देर रात शिक्षक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हुए। बहन को छोड़कर घर लौट रहा था शिक्षक। ग्रामीण कर रहे हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। मौके पर पुलिस का जाब्ता तैनात। रायपुर जागीर गांव की घटना बताई जा रही है। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है सीकर के अजितगढ़ से, जहां इलाके में शिक्षक की हत्या। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश, बड़ी खबर है, इलाके में शिक्षक की हत्या कर दी गई और उनका शव मार्ग पर मिला है, क्या कुछ अपडेट आपके पास आ रही है? क्योंकि जो गांव वाले हैं वो वहां पर जमावड़ा लगाकर बैठ चुके हैं कि हत्यारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल आयुषी, बताना चाहूंगा कि शिक्षक है सीताराम स्वामी, जो अपनी बहन को छोड़ करके आ रहा था, इसी दौरान उसका शव है वो नाले में मिला है। ये कुंडा पिछलपुर मार्ग है, वहाँ उनका शव मिला है और गला रेत करके उसकी हत्या की है। तो ग्रामीणों ने वहाँ प्रदर्शन शुरू किया है और उनकी मांग है कि जिन्होंने भी शिक्षक की हत्या की है उनके हत्यारों की पहले गिरफ्तारी हो, इसी के बाद शव वहाँ से उठाया जाएगा। काफी तनाव का माहौल है, हालांकि पुलिस जाब्ता वहाँ तैनात किया गया है, लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई है तो निश्चित रूप से एक शोचनीय विषय है। जी बिल्कुल रमेश, क्या कुछ आशंका जताई जा रही है? क्या उनका कोई निजी रंजिश थी जिसके चलते ये माना जा सकता है कि किसी ने उनकी हत्या कर दी हो? आयुषी, पुलिस दो एंगल पे काम कर रही है। पहला ये कहीं लूट का इरादा हो या रंजिश हो, दोनों ही एंगल पे काम कर रही है। और पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी होगी, लेकिन ग्रामीण है वो इस बात को लेकर के बैठे हैं कि पहले हत्यारों की गिरफ्तारी हो। तो कहीं ना कहीं समझा इसका दौर है, जिला प्रशासन का जारी है, लेकिन फिलहाल शव नहीं उठाया गया। आयुषी जी बिल्कुल, रमेश कब से ये समझाइश का जो दौर है वो जारी है? कितने बजे से जो ग्रामीण है वो सड़क पर बैठे हुए हैं? बिल्कुल आयुषी, बता रहा हूँ, देर रात की ये घटना है कि जैसे ही गाँव वालों को इस बात की खबर लगी तभी से वो शव लेकर के वहाँ बैठे हैं और उनका कहना है कि पहले हत्यारों की गिरफ्तारी हो। और निश्चित रूप से मामला बड़ा है और हर दल को ये चाहेगा कि जिस तरीके से कला रेत की हत्या की गई है एक निर्मम हत्या। आयुषी जी बिल्कुल, रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो सीकर के अजितगढ़ थाना इलाके में शिक्षक की हत्या का ये कांड।